हाथ में आधी रोटी इसकी चूरी बनाते ये हो। देख सकते हैं आप, चोरी मैंने बना ली है। कबूतरों के साथ हमारा चिक्स एक साथ काफी अच्छे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज आप देख सकते हैं धुंध बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अभी सुबह का वक्त है और अपने कबूतरों को ये दाना डाल देते हैं और उनको बाहर निकाल लेते हैं। ये दाना यहाँ पर डाल दे रहे हैं। ये देखें सारे कबूतर बाहर आ रहे हैं। इनको अभी थोड़ा दाना डाला है, बाद में इनको रोटी के पीस करके इनको खिलाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे कबूतर दाना खा रहे हैं और मैं उनके लिए इसमें पानी भर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और अपनी मोटर को चला लेता हूँ और अपने जानवरों के लिए पानी भर लेते हैं इसमें। फिर गर्म पानी निकल आएगा और इसमें भी भर लेंगे कबूतरों के लिए। तो पहले इसको चला लेते हैं। इतना पानी हमारे जानवरों के लिए काफ़ी है। अब मोटर को बंद कर लेते हैं और इसमें से अपने कबूतरों के लिए पानी भर लेते हैं। इस पानी को यहाँ पर रख देते हैं। ये देखें हमारे कबूतरों ने दाना खा लिया, अपना पेट भर लिया है। ये देखें पानी रखते हुए हमारा एक कबूतर बाहर निकल गया है। अभी सारे कबूतरों को निकाल लेते हैं। आह आह यह देखें हमारे सारे कबूतर बाहर आ रहे हैं और ये उड़ रहे हैं। मैंने ये सोचा हुआ था जब धूप निकल आएगी ना तो फिर अपने कबूतरों को बाहर निकालेंगे और इनके जो बच्चे होंगे उनको भी बाहर निकालेंगे। जब मैं पानी रख रहा था तो एक कबूतर बाहर निकल गया, इसी वजह से सारे कबूतरों को बाहर निकाल दिया। और जब धूप निकल आएगी तो कबूतरों के बच्चों को भी बाहर निकाल देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे 6 कबूतर हमारे बकरियों के बीच में आ गए हैं और 2 कबूतर खजूर के दरख्त पर बैठे हुए, ये आप देख सकते हैं। और आपको एक बात बता दूँ, हमारा ये वाला टेडी बकरा सेल जो हो चुका है कुछ ही दिनों में यह चला जाएगा। और हमारी एक कबूतरी जो है वो कबूतरों के मकान में बैठी हुई है अंडों के ऊपर। ये आप देख सकते हैं हमारी ये कबूतरी अंडों पर बैठी हुई थी, जब मैं अंदर आया तो ये मुझे देखकर हट गई है। और हमारे शिराजी कबूतरी के बच्चे भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और इस कबूतरी के बच्चे भी आप देख सकते हैं, बल्कि कबूतरी तो बैठ गई है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। इनके परों के ऊपर बाल भी आप चेक कर सकते हैं, सारे बाल निकल रहे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये बच्चे भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। हमारे कबूतर तो बाहर गए हुए हैं और ये मुर्गी अंदर आई हुई थी दाना खाने के लिए। अब मैं अपने जानवरों को एक एक करके खोल लेता हूँ और उनको पानी पिला लेता हूँ। आ जा भाई आ जा। चल भाई उठा पानी पी लो। 2 भैंसों को इकट्ठे खोल लिया है ताकि जल्दी से ये पानी पी लें और जल्दी से मैं अपना काम ख़त्म कर लूं। पानी पी लो इधर। एक एक करके सारे जानवरों को मैंने पानी पिला दिया है। और ये आप देख सकते हैं मेरे भाई ने बेरी ली हुई है और बकरी के बच्चों के लिए ली हुई है। इसको इस बाड़े के ऊपर बांध देंगे और फिर बकरी के बच्चों को निकालेंगे थोड़ी देर के बाद जब धूप थोड़ी निकल आएगी। ये देखें मेरा भाई इस बाड़े के अंदर बेरी बांध रहा है, अभी बकरी के बच्चों को इसमें डालेंगे, इसमें बंद करेंगे। मैं यहाँ पर ख्याल कर रहा हूँ कि बकरियाँ बाहर ना निकल जाएँ और मेरा भाई गया हुआ है बकरी के बच्चों को लेने। यह देखें यह 3 बच्चों को एक साथ लेकर आया हुआ है। घेरना था ये लेता हो। ये 2 और आ गए। ये 5 बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और मेरा भाई अभी 2 और बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं उनको लेने गया हुआ है। ये देखें ये लेकर आ रहा है। आ जाओ भाई आ जाओ। अब इसको उसके बाड़े के अंदर बंद कर देंगे। तीन को अंदर बंद कर दिया है, अब बाकी को भी ले जाते हैं। ये भी चले गए अंदर, बस एक रह गया ये। ये देखें सारे बच्चे अंदर चले गए हैं। ये आप देख सकते हैं सारी बकरियों के बच्चे यहाँ पर आ गए हैं और ये जोडल खा रहे हैं। इनको जोडल पसंद है, शायद बेरी पसंद नहीं है। वैसे बेरी खाते हैं, अब ये जोडल खा रहे हैं। और ये मुर्गियों का काम चेक करें,
ये सारा टोका खराब कर रही हैं। चलो भाई जाओ। और ये हमारे कबूतर भी उड़ रहे हैं, ये देखे ये दरख्त पर बैठ गए हैं। बकरी के बच्चों को वीडियो बना रहा था और मैं इसको भूल गया हूँ बंद करना। ये देखे गुलहरी अंदर आया हुआ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब धूप आप चेक कर सकते हैं, थोड़ी बहुत निकलना शुरू हो गया है। और अभी मेरे हाथ में आधी रोटियाँ, इसकी चूरी बनाते हैं और फिर कबूतरों को डालेंगे और कबूतरों के बच्चों को भी बाहर निकालेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा। ये देख सकते हैं आप, चूरी मैंने बना लिया है। अभी कबूतरों के बच्चों को भी निकालते हैं और फिर इनको डालेंगे। सबसे पहले इनको उठा लेते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। ये जाओ बाहर और फिर इनको उठा लेते हैं। ये भी आ गए माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इनको भी निकाल लेते हैं। ये भी आ गए सारे। ये देखें सारे कबूतर आ चुके हैं। अब इसको ऐसे फैला लेते हैं यहाँ पर। माशाल्लाह काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। कबूतरों के साथ हमारे चिक्स एक साथ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मैंने कबूतरों के बच्चों को आज इसलिए बाहर निकाला ताकि देख सकूं कि ये कबूतर अपने बच्चों को कैसे फीड कराते हैं, मगर ये तो फीड नहीं करा रहे। अब इनको बस अंदर बंद कर देते हैं। पहले इनको पकड़ लेता हूँ। अब इनकी बारी है, ये एक और ये दूसरा। इन दोनों को अंदर बंद कर देते हैं। ये आ गए यहाँ पर। अब इनकी बारी है, ये आ गए यहाँ मेरे हाथ में। चलो भाई तुम भी जाओ। मैंने कबूतरों के बच्चों को इसलिए बाहर निकाला था ताकि देख सकूं ये कबूतर अपने बच्चों को कैसे फीड कराते हैं, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं देख सका। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।